जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल में मां के द्वारा रात्रि के समय बनाई गई खिचड़ी का सेवन करने से मां सहित दो बच्चों की हालत बिगड़ गई। परिजन आनन फानन में एक प्राइवेट चिकित्सक को दिखाया, जहां गंभीर अवस्था में चिकित्सक ने सैफई के ट्रामा हॉस्पिटल में भर्ती कराने की सलाह दे डाली, जहां परिजनों ने सैफई के अस्पताल में तीन लोगों को भर्ती कर दिया। उपचार के दौरान एक एक दिन के अंतराल में दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि बच्चों की माँ आज भी जीवन मौत से संघर्ष कर रही। पूरा मामला जनपद मैनपुरी कस्बा करहल के मोहल्ला तपा नगरीय निवासी विक्रम सिंह कठेरिया नागिन बैंड संचालक का है। विक्रम सिंह शाम के समय एक दुकान से कोठे वाले चावल खरीद कर लाया था। विक्रम की पत्नी शिवानी उम्र 25 वर्ष ने कमरे के अंदर रख चूल्हे पर, जहां घनघोर अंधेरा था, पकाने के लिए रख दिया था। चावल बनने के बाद शिवानी व एक 3 वर्षीय एक पुत्री काव्या ने चावल का सेवन कर लिया। इसके बाद अलावा 1.5 वर्षीय पुत्र अवंश ने मां के दूध का सेवन कर लिया, जिससे तीनों लोगों की हालत गंभीर हो गई। तीनों लोगों को उल्टी और दस्त होने लगी और देखते ही देखते उसकी हालत खराब होगी। विक्रम ने अपने परिजनों को साथ लेकर पड़ोस में रहने वाले जीएनएम डिप्लोमा धारक रजनी शर्मा के उपचार के लिए भर्ती करा दिया, जहां काफी ट्रीटमेंट चलने के बाद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो रजनी शर्मा के हाथ पैर फूल गए। उन्हें तत्काल परिजनों को सैफई में उपचार करने की सलाह दे दी। परिजन तीनों को लेकर सैफई अस्पताल पहुंचे, जहां एक एक कर एक दिन के अंतराल में 3 वर्षीय पुत्री काव्या और 1.5 वर्षीय पुत्र की मौत हो गई, जबकि मां शिवानी देवी सैफई के अस्पताल में आज भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। मौके पर पहुंचे चिकित्सा अधिकारी एवं एसडीएम कार्यालय विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने मीडिया को क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। अच्छा, ये जो ना आप इनके पड़ोसी हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं भाई, ये मेरे। अच्छा, ये क्या घटना घटी हुई थी, कितने बजे तुम्हें जानकारी मिली इसकी? हमको साहब रात के 11 बजे जानकारी मिली। क्या जानकारी मिली थी? कि वो ज्यादा परेशान थी और लेटरिन और उल्टी हो रही थी। अच्छा, किस किस को हो रही थी? पहले उसी को, भाई शिवानी को। अच्छा, यानी माँ को सबसे ज्यादा उसकी दिक्कत हुई। हाँ, फिर रात में यहाँ डॉक्टर साहब है, उनको दिखाया साथ माँ बोतल लगी, कंट्रोल नहीं आई सुबह। अच्छा, और जो बच्चे थे उनकी हालत कैसी थी? तब वो सही थे, जब उनने दूध दूध पिया तो उनको असर ज्यादा होने लगा। फिर उनको भी हमने यहाँ दिखवाया डॉक्टर के, उनको भी दवाई फिर देने सुबह से। अच्छा, जो ना जी मौत हुई है तो कितने कितने अंतराल में हो गई थी मौत तीनों की? एक नौ को भाई है। तो दो बच्चों की मौत हो गई। ठीक है, आपका वेद प्रकाश किस गांव, किस मोहल्ले में रहने वाले हो? मोहल्ला तपाई नगरी है, करैल में। करैल। अच्छा, यहाँ पर जो ना दो बच्चों की मौत हो गई है, कैसे हुई थी, क्या पूरा मामला है? वो मामला ऐसा है कि मतलब शाम को इन्हें खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बनाने के बाद एक दो घंटे बाद इन्हें खिचड़ी वो खाई। ठीक है, उसके बाद इनको टट्टी उन्टी बन गए 11 बजे। ठीक है, 11 बजे के बाद फिर यहाँ से ले गए सैफई भर्ती करो जाए। ठीक है। अच्छा, तो कितने लोग थे, मतलब किन ने खाई, क्या क्या नाम है उनका? शिवानी ने खाई और काव्या ने खाई। ठीक है, और एक बच्ची ने, बच्चा ने दूध पियो। अच्छा, तो दोनों बच्चों की मौत हो गई, कितने घंटे बाद हो गई थी? एक 7 को हुआ बड़ा वाला, बिटिया, और एक 9 को भाई, दो की मौत हो गई। अच्छा, जिसने बनाई थी खिचड़ी उनका नाम क्या था? शिवानी। उनकी हालत कैसी है, कहाँ पर रहे वो? उससे पर ये हालत अभी खराब है, सभी वर्दी है, अभी उपचार चल रहा है। क्या क्या नाम है भैया आपका? राहुल जी, आप इनके कौन हैं? उनके दामाद। अच्छा, दामाद हैं, देखने आए थे क्या? हाँ। अच्छा, वहाँ पर अस्पताल में किस तरह की हालात है अभी? अभी तो सही है। सही है। हाँ, पहले से आराम है? हाँ, पहले से आराम। अच्छा, किसको देखने गए थे? सराज को अपने। क्या नाम है उनका? शिवानी। क्या उम्र होगी उनकी शिवानी की? शिवानी की उम्र होगी लगभग वही 27-28 साल। तो ठीक है वो? हाँ, आराम है, आज छुट्टी की भी बोली है डॉक्टर साहब ने। चलिए ठीक है। कि कस्बा करैल में दो बच्चों की मौत हुई है और उसकी माँ की हालत गंभीर है, सर क्या पूरा मामला था? मामला ये था कि कस्बा करैल में तपाकी नगरिया में विक्रम कठेरिया, इनके परिवार के दो बच्चे जो 2 और 3 साल के आसपास के थे, उनके नाम काव्या और आवेश हैं। उनकी 6 तारीख को कुछ जहरीला पदार्थ खाने की वजह से तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्होंने यहाँ अस्पताल में ही पास में ही कोई रजनी शर्मा है उनके माध्यम से एक फर्जी अस्पताल चलाया जा रहा, उसमें उन्होंने भर्ती कराया। मामले को बिगड़ता देख उन्होंने सैफई रेफर कर दिया, लेकिन तब तक कंडीशन ज़्यादा बिगड़ चुकी थी और अंततः उसमें एक बच्चे की 7 तारीख को और एक बच्चे की 9 तारीख की मृत्यु हुई। जी, उनकी माँ की हालत भी गंभीर थी, लेकिन अभी डॉक्टरों से वार्ता करने पर ये पता चला है कि उनकी परिवारजनों से भी बात की है, ये पता चला है कि माँ की तबीयत में अब काफ़ी सुधार है और उन्हें वहाँ से डिस्चार्ज करा के यहाँ लाया भी जा रहा है।
परिवार के लोगों से बात करती थी, परिवार के साथ पूरा तहसील स्टाफ सभी स्वास्थ्य विभाग के साथ में परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। जो भी परिवार को चाहिए, जिसकी भी उन्हें आवश्यकता हो, बेझिझक हमसे संपर्क करें और समय समय पर अपनी स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेज करके भी जो परिवार है उसकी मदद कराएंगे। जी ना, एक सामूहिक रूप से एक अस्पताल में छापा मारा गया था सर, कैसा उसका रखरखाव था, किस तरह की दवाइयां मिली हैं आपको? सर देखिए, जब हमने छापा यहाँ मारा तो उसमें बहुत सारी सिरिंज जैसी पाई गई जिनको कट नहीं किया गया था, और वो जो अस्पताल था वो कोई GNM चला रही थी, अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाई जी। बहुत सारी ढेर सारी एक्सपायरी दवाइयाँ मिली हैं। फिर मैंने उसके बाद जिलाधिकारी महोदय को बताया, उनके संज्ञान में लाते सर के माध्यम से संयुक्त छापा मारा गया और उसमें जो है उस अस्पताल को सील कर दिया गया सर। आगे की कार्रवाई जो है सर, क्या वाकई में GNM जो कोर्स किए हुए हैं उनको संचालित करने का आदेश है कि क्या? दवाइयाँ और सिरिंज और बोतल वगैरह पाई गई है उसमें जब तक कोई MBBS प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखेगा, तब तक जो है स्वयं में आप कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते हैं GNM को।